गाजियाबाद में भीषण गर्मी की मार से लोग बेहाल हैं। पारा 45 डिग्री के पार कर गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सेवन करते दिख रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हिमांशु शर्मा। पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। एक तरफ सूरज की तपिश है तो दूसरी तरफ हीट वेव से लोग परेशान हैं, और ऐसे में तरह तरह के उपाय लोग गर्मी से बचने के लिए अपना रहे हैं। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपने पूरे शरीर को कवर करके, यानी कपड़े से कवर किए हुए हैं ताकि हीट वेव से बच सकें, और बाहर निकल रहे हैं तो बीच बीच में पेय पदार्थ पी रहे हैं ताकि अपने आप को ठंडा रख सके। और तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम लस्सी की दुकान के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लोग लस्सी पीते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और गर्मी के अंदर अगर लस्सी पीते हैं तो ये ठंडक पहुंचाती है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं और मजबूरी में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो बीच बीच में पेय पदार्थ पीते रहें ताकि डिहाइड्रेट बॉडी ना हो और शरीर जो है वो टेम्परेचर उसका ठीक रहे। तो यहाँ देख सकते हैं लस्सी पीते हुए लोगों को टोकन देने के बाद लस्सी यहाँ पर ले रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है और कितना फायदा पहुंचा रही है लस्सी? लस्सी ठंडे को, दिल को ठंडक पहुंचा रही है और शुद्धता और प्योर। गर्मी कितनी है? गर्मी तो मेरे ख्याल से इस टाइम 42-47 टेम्परेचर होगा। आप भी लस्सी पी रहे हैं, क्या कहेंगे गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है? और आप तो पूरे पसीने में भी तरबतर है भैया, पसीने में तो पैदल चल के हो गए। और लस्सी बहुत प्योर है और गर्मी भी 45-46 डिग्री है। बेहाल है मामला, आम जनता बेहाल हो चुकी है। बेहाल हो चुकी है। महिलाएं भी आप देखेंगे वो भी लस्सी पीती हुई यहाँ दिखाई दे रहे हैं ताकि गर्मी से बचें और गर्मी से थोड़ी राहत मिले लस्सी पीने के बाद। क्या कहेंगे, लस्सी पीने से कितनी राहत मिलती है गर्मी से? बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत राहत मिल रही है। बहुत ज्यादा। गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी कितनी पड़ भी रही है? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। लस्सी कैसी लग रही है गर्मी के अंदर? बहुत अच्छी लग रही है। और गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो बेहाल ही है, पूछो मत। बेहाल कर रखा है बिल्कुल। तो वो चेहरे पे स्माइल के साथ इन्होंने बताया कि लस्सी बहुत अच्छी लग रही है लेकिन गर्मी ने बेहाल किया हुआ है, पारा लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार। और चलिए सीधे लेके चलते आपको बांसगांव, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रही है। दलों के सभी